पंचायत चुनाव के दृष्टिगत आबकारी विभाग द्वारा किए जा रहे परिवर्तन कार्य के तहत मंगलवार को राजगढ़ थाना के अंतर्गत कच्ची शराब के विभिन्न संदिग्ध स्थलों की तलाशी व दबिश दी गई। आबकारी निरीक्षक राकेश कुमार त्रिपाठी व अरविंद सिंह के नेतृत्व में पुलिस और आबकारी विभाग के द्वारा की गई कार्यवाही में लगभग 110 लीटर की अवैध कच्ची शराब बरामद की गई और दो कारोबारियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें पाना देवी पत्नी राम निवास व किशन निषाद शामिल हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आबकारी निरीक्षक राकेश कुमार त्रिपाठी ने बताया। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जनपद गोरखपुर में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार आबकारी विभाग द्वारा प्रभावी प्रवर्तन कार्य किया जा रहा है, उसी के क्रम में आज की भी कार्रवाई हुई है। आज जो है आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने चकरा अव्वल में थाना राजघाट के अंतर्गत जो है दबिश की कार्रवाई की है। कुल 110 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया है। दो लोग के विरुद्ध जो है, एक पाना देवी और किशन निषाद, दोनों लोग के विरुद्ध जो है थाना राजघाट में FIR पंजीकृत कराया गया है। सर, अभी तक जो भी कार्रवाई की गई उसमें अक्सर देखा गया तो महिलाएँ काफ़ी आ गए हैं। हाँ, ये दरअसल अवैध कच्ची शराब का जो मतलब कारोबार है उसमें अधिकतर महिलाएँ ही इन्वॉल्व रहती हैं, तो उनके खिलाफ जो है जो भी सुसंगत धाराएं हैं उनके खिलाफ हम लोग सुसंगत धाराओं में आबकारी अधिनियम में जो धाराएं हैं उसके अंतर्गत हम लोग कार्रवाई करते हैं।